तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एनुअल पेपर को डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में फुल पेपर सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में कमेंट में मैथ की प्लेलिस्ट है, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट और प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट के देख कर प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों मीडियम में। और साथ में जो कंपार्टमेंट पेपर आपके हुए हैं उनका भी सॉल्यूशन अपलोड है, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो कमेंट को चेक कर लेना, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। ऐसे ही आपका पेपर आएगा और कमेंट में लिंक ओपन करके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ की, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, एक कक्षा में 35 बच्चों में से 14 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? लड़कों का प्रतिशत पता करना था, ठीक है। लिखा है, आउट ऑफ 35 चिल्ड्रेन इन ए क्लास 14 आर बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? तो ध्यान से देखो आंसर, देखो आंसर नंबर वन, 35 बच्चे हैं, 14 लड़के हैं उनमें, तो हम लिख सकते हैं 14/35, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया करो, डायरेक्ट कट करो, 5 × 7 = 35 आएगा 20, इधर 100 कटेगा, फिर 7 से कट करो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, बचा क्या आपके पास 2 × 20, यानी कि कितना आ जाता 40, ठीक है। तो 40% निकल आया फर्स्ट का आंसर, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन था। अगला, एक दुकानदार ने एक दर्जन संतरे 60 रुपए में खरीदे, कितने संतरे 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब आंसर टू देखो, एक दर्जन संतरे 60 रुपए में खरीदे, ठीक है। तो एक दर्जन बराबर 12 होता है, ठीक है ना। तो 60 रुपए में संतरे बराबर, एक दर्जन खरीद रहा है यानी कि 12 खरीद रहा है, ठीक है। तो 1 रुपए में निकाल लो, 1 रुपए में कितने संतरे, 12/2 में हो जाएगा 60, तो कितने रुपए की बात कर रहा है, 95, इसलिए 95 रुपए में संतरे बराबर ये 12/60 रहेगा, गुणे हो जाएगा 95, कट करो, 5 से कट करो, ये आ जाएगा 5 × 5, 5 × 10 = 12, 5 से कट करो, 5 × 5, 5 × 5 = 45, 12 × 12 कट हो गया, कितना मिला 19, तो यानी आपको आंसर मिल जाएगा 19, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था। अगला, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सी पर समकोण है, ए बी 25 सेंटीमीटर है, बी सी 24 सेंटीमीटर है। अब एक त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक त्रिभुज है, तो मान लेते हैं आंसर थर्ड में ये त्रिभुज है, अब इसमें सी समकोण बता रहा है, ये हो गया सी, ठीक है, ये समकोण है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी कितना दिया, ध्यान से देखो, ए बी दिया है 25, तो ए बी ये हो गया 25, बी सी दिया है 24, बी सी ये दिया 24, तो ये आपका हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एसी निकालना है, यानी कि हमको एसी निकालना है, लंब निकालना है, तो डायरेक्ट लंब वाला फॉर्मूला लगा दो, लंब बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण पर 25 का स्क्वायर, आधार पर 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करोगे 625, 24 का 576, माइनस करोगे आएगा 49, रूट में से क्या निकलेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन था। अगला, 0.7 का घन है,
0.7 का घन है तो 3 बार गुणा कर लूं, ठीक है, गुणा करोगे मिल जाएगा 0.343, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन है। अगला, 50 पैसे अनुपात 4 रुपये का सरलतम रूप है, तो देखो पांचवा, 50 पैसे मान लेते हैं, इधर है 4 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसे, दोनों को बराबर कर लो, 4 × 100 कर सकते हैं, इधर दोनों को पैसे में कर लिया, ठीक है ना, ये 400 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 5 कट करेंगे और 5 × 8 = 40, 1:8 आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 6, 16 करना है, (10y + 11 = 5y - 9), y का मान निकालना है, ओके, देखो y को y की तरफ ले आओ, प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर क्या बचा -9, नंबर को नंबर की तरफ भेजो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना आ गया 5y, ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20, तो y बराबर -20/5 यानी -4, 5 × 20 4 आ गया माइनस में, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऑप्शन, ठीक है, इसमें बी था, सी था, डी था, बी था, डी था, ए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात है, तो आंसर नंबर 7, 4018 एलसीएम निकाल लो, पहले 2 से कट करो, 2×2 = 4, 0 0 2×2 = 18 आएगा, फिर 2 से कट करो, सॉरी 2 से नहीं कटोगा, फिर 7 से डायरेक्ट कटोगा, 7 से कट करो 287 आ जाएगा, फिर 7 से कट करो आ जाएगा 7×28 41 आ गया, फिर 41 से कट होगा, तो कह रहा है कि 7 की घात, तो यहाँ पर देखो 2 1 बार है, 7 कितनी बार है 2 बार है और 41 1 बार, तो केवल घात पूछ रहा है, कितना हो गया 2, 7 की घात 2 है, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 28 आदमियों द्वारा करने में लगने वाला समय है, तो आंसर देखो आंसर नंबर 8, इधर लिख दिया आदमी, इधर लिखेंगे दिन, दिन की संख्या, ठीक है, पहले आदमी कितने थे 64, पहले आदमी 64 थे तो कितने दिन लगे 42, फिर से अब 28 आदमियों द्वारा, उसी काम को 28 आदमियों द्वारा, आदमियों की संख्या कितनी 28, दिन पता करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर समय नहीं दिन होना चाहिए, ठीक है ना, कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पर हमने मान लिया x है, ठीक है, तो ध्यान से देखो 64 थे तो 42 दिन लगा, अब 28 हो गया तो दिन ज़्यादा लगेगा, आदमी कम हो गए तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि दिन ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पर आपका प्रतिलोम अनुपात चल रहा है, ठीक है, तो आगे कैसे करोगे, 64 × 42 कर लेते हैं और बराबर इधर 28 × x कर लेंगे, ठीक है ना, 64 × 42 = 28 × x के, तो x इधर रोक लेंगे तो इधर 64 × 42 रहेगा, बटे के नीचे आ जाएगा 28, बराबर इधर रहेगा x, x हमको निकालना है, कट करो 7 से कट करो, 7 × 28, 7 × 6 = 42, 2 × 3 = 6, 2×2 = 4, 2 से कट करो, 2 × 1 = 2, 2×3 = 6, 2×2 = 4 यानी कि बचा 32 × 3 = x, तो 3×2 = 6, 3×3 = 9 यानी 96 आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट था। अगला, उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके 88² - 12² का मान ज्ञात कीजिए, आंसर देखो आंसर नंबर 9,
88 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी लगा देंगे, ठीक है। तो ए पर 88 प्लस बी पर 12 है, और एक बार 88 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, गुणा लग जाएगा बीच में, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 76। 88 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 76, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7600, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन था इसमें। अगला, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं भुजाएं दी हुई हैं, परिमाप निकालना है। तो आंसर देखो, आंसर 10, परिमाप बराबर होता है आयत का तो ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी लंबाई जमा चौड़ाई, दो पे दो एल, पहली साइड ये हो गई 3x माइनस 4y, और प्लस पे हम लगा देंगे प्लस बी, बी पर 2x प्लस 3y लिख देंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 3x प्लस का 2x प्लस का कितना हो गया 5x, माइनस 4y प्लस 3y, माइनस प्लस माइनस माइनस 1y बचेगा, ठीक है। आगे सोल्व करो, ब्रैकेट तोड़ो, 2 का 5 करो 10x, माइनस 2 का y से भी करो 2y, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। अगला, एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, आंसर 11 क्या दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 1350, 1350। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 6 ए स्क्वायर लगाऊंगे, जो देगा वही फॉर्मूला आपको लगाना है, 1350 के ए स्क्वायर बराबर 1350 इधर रहेगा, बटे के नीचे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर कट करो, 6 × 12 बचा 1 × 15, 6 × 12 6 × 35 225 आ गया, तो ए बराबर स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा रूट, ठीक है। तो ए बराबर ये किसका वर्गमूल है 15 × 15 का, यानी कि 15 मिल जाएगा आपको, ये साइड हो जाएगी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आलेख एक आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं, तो रेखा आलेख होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम डी राइट था। क्वेश्चन नंबर 8, 96 डेज, क्वेश्चन नंबर 9, 7600, और क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आपका डी, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 15 सेंटीमीटर, 12 में सी, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हो, पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से। तो क्वेश्चन देख लो, बाकी कमेंट को चेक कर लो वहाँ से, बाकी कंप्लीट आंसर देखकर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके असेसमेंट से किए गए हैं, जो डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए थे, तो असेसमेंट भी अपलोड है दोनों मीडियम में, आपको भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टोटल इतना ही था बच्चों, कंप्लीट हुआ, और तैयारी के लिए कमेंट में सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिलेगी, दोनों मीडियम में एक साथ ओपन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।